नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीक बॉस का 11वें वीडियो में। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसका कई सारे अप्रोचेस हो सकते हैं इसको करने का। तो यहाँ पे दे रखा है एक बड़ा सा रेक्टेंगल जो कि एक साइड जिसका है 13 यूनिट्स और एक साइड है 11 यूनिट्स। इसी के अंदर हमने एम्बेड करके रखा है 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स जो कि इक्वल एरिया का है या फिर इक्वल साइड लेंथ का है आप बोल सकते हैं। और सिर्फ इसी इन्फॉर्मेशन से आपको ये पूछा जा चुका है कि जो शेडेड एरिया है ये क्या है। गिवन दैट ये जो स्क्वायर्स है वो परफेक्टली ठीक ऐसे ही फिट होता है, ये जो 6 स्क्वायर्स है ये ठीक ऐसे ही फिट होता है। आपके पास सवाल है ये जो डॉटेड एरिया है वो कितना है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आ जाते हैं इसका सोल्यूशन में। अगर आपने कर लिया हो तो इसका जो आंसर है वो 65 आने वाला है। अब कैसे, चलिए वो देख लेते हैं। तो पहली बात तो हमारे पास जो दो चीज़ हम नहीं जानते हैं वो है एक तो स्क्वायर का जो साइड है जिसको हम एक्स मान लेते हैं, और एक है जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये देख सकते हैं कि ये जो 6 सेट ऑफ स्क्वायर्स है ये एक ही एंगल पे इंक्लाइंड है, और उसी एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। तो ये होगा थीटा, रेडियंस बोल सकते हैं या कुछ भी। तो इन दोनों वेरिएबल्स को एज्यूम अगर मैंने एक बार कर लिया तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान पड़ जाएगा। कैसे, देखिए मैं ये जो इंक्लिनेशन है ये 6 जो स्क्वायर्स का, इसी को मैं, ये जो साइड लेंथ है मैं इनसे एक रिलेशन ड्रॉ करना चाहता हूँ जिससे कि हमको ट्रिगोनोमेट्री चाहिए होगा। तो मैं कैसे करता हूँ वो देखिए, यही जो एंगल से टिल्ट किया हुआ है इसको ही मैं एक्सप्लॉइट करता हूँ। मैं कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ ऐसा एक स्ट्रेट लाइन। ऐसा एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट करने से क्या फ़ायदा है, देखिए ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल आ जाता है, और जिसका हम ये वाला जो साइड है सिर्फ ये वाला साइड हम निकाल सकते हैं। तो अगर मैं सिर्फ ये वाला साइड बोलूँ तो देखिए ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये अगर थीटा है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा के देख सकते हैं, ये भी थीटा होगा। तो ये अगर थीटा है तो ये हमारे पास एक्स 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 है, तो ये तीनों साइड को जोड़ के हमारे पास आएगा 3x। और अगर हम सिर्फ ये वाला साइड चाहते हैं तो हमारे पास आएगा 3x cos थीटा प्लस। अब हमारे पास बचा रहेगा जो ये वाला साइड है सिर्फ इतना। तो ये वाला साइड कितना होगा, देखिए ये लेंथ भी x है और ये अगर थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी आपके पास है 90 माइनस थीटा। आप ये सिंपली स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये वाला जो लेंथ होगा, जो बाकी जो लेंथ है, ये आपके पास आएगा x sin थीटा, जिसका वैल्यू आपके पास है 11, क्योंकि यही हमारा निकालने का मकसद था। तो इसी से आपके पास तो एक इक्वेशन आ जाता है, इसका मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1। ठीक इसी तरीके से मैं जो ये 13 वाला जो साइड है मैं इसको भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। हमारे पास इक्वेशंस 2 होनी चाहिए क्योंकि वेरिएबल्स यहाँ पे हमने 2 माना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन की ज़रूरत है। तो एक तो हमने साइड 11 से ले लिया और एक हम 13 से लेंगे। तो 13 से कैसे लेंगे, देखिए मैंने जैसे किया, मैंने फिर से ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाने से आपके पास 2 पार्ट्स होता है, एक तो ये वाला और एक आपके पास होता है ये जो बड़ा वाला जो लेंथ है। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये एक्स ये एक्स ये एक्स होगा ना, तो आपके पास अगर ये थीटा है तो आप थोड़ी सी ही कैलकुलेशन से बता सकते हैं कि ये एंगल भी थीटा होगा, बस थोड़ा सा पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए। तो ये अगर टोटल लेंथ जो है आपके पास, अगर ये 3x है तो आप ये जो बड़ा वाला जो पार्ट है लेंथ का, ये आप कितना बता सकते हैं, ये आप बता सकते हैं 3x cos थीटा प्लस। अब आपके पास बचा रहेगा सिर्फ ये वाला लेंथ। ये वाला लेंथ निकालने के लिए देखिए ये है x, ये है x, तो ये है आपके पास टोटल जो एंगल है ये है 2x। ये वाला जो एंगल है आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि ये भी थीटा होगा क्योंकि इंक्लिनेशन पूरा जो ट्रायंगल का सेट है वो थीटा है। तो ये एंगल अगर थीटा होगा और ये अगर टोटल 2x है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2x साइन थीटा हमारे पास, अगर ये टोटल करेंगे तो ये 13 आएगा। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हमको सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पहली बार जो मैं करना चाहता हूँ वह है इक्वेशन 2-1, उसी से हमारे पास बहुत आसानी से आ जाएगा एक्स साइन थीटा इक्वल टू 2। और एक बार मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 2 से
इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन, इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करने में 6x cos थीटा प्लस 2x sin थीटा इज इक्वल टू 22। अब इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमारे पास देखिए आ जाएगा 3x cos थीटा इज इक्वल टू 9, जिसका मतलब है x cos थीटा इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास अगर x sin थीटा 2 है, x cos थीटा 3 है, हमारी जो मेन टारगेट है यहाँ पे निकालने का वो है x, क्योंकि अगर हमको हमारे पास x है तो हमारे पास एक जो स्क्वायर है, मिनी स्क्वायर है, इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो हम x कैसे निकालेंगे, गिवन दैट x sin थीटा और x cos थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास है x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2² प्लस 3². यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, 2² प्लस 3² होता है 13। तो यहाँ से हमारे पास एक्स आ जाता है रूट ऑफ 13। सो अगर हमारे पास एक्स है रूट ऑफ 13, तो एक जो छोटा जो स्क्वायर है, इस छोटा स्क्वायर का एरिया 13, रूट 13 का स्क्वायर होगा जो कि 13। हमारे पास ऐसे 6 छोटा स्क्वायर्स है, तो इन जो 6 छोटा स्क्वायर्स का जो टोटल एरिया होगा वो होगा 13 times 6 जो कि है 78। अब हमारे पास ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया है 13 times 11 जो है 143। सो अगर आप इस शेडेड एरिया को निकालना चाहते हैं तो ये होगा 143 -78 जिसका वैल्यू है 65। तो आपका आंसर फाइनली जो आता है वो आ जाता है 65। ये एक सबसे वन ऑफ द स्मॉलेस्ट अप्रोच है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टेक्निक है कि हम ट्रिगोनोमेट्री को इस्तेमाल करके इसका वैल्यू निकाले जबकि हमको कुछ भी नहीं पता। और ये जो साइड और एंगल को रिलेट करने वाला सबसे आसान मैथमेटिक्स है उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, और इसी से आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाता है वो है 65। तो थोड़ा सा आपका रिफ्रेशिंग प्रॉब्लम था। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हर हफ्ते ऐसे नए वीडियोस लाया जाएगा आपके सामने जो कि काफ़ी थ्रिलिंग होगा, काफ़ी चैलेंजिंग होगा। अगर आप एंजॉय करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको सॉल्व करके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, शुक्रिया।